और वहीं रुड़की के आरसाई कॉलेज में क्रीड़ा पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्पोर्ट्स मीट में विजयी छात्र छात्राओं को मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें कई टिप्स दिए। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि कोई भी मंजिल आसान नहीं होती, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो हिम्मत और जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं वो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। वहीं संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर रमा भार्गव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष कॉलेज में खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। इस बार प्रतियोगिता में विजयी छात्रों को ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट और करीब 1,00,000 रुपए की धनराशि से सम्मानित किया गया। जब हम अपने युवा पीढ़ी का प्रोत्साहन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, और इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कॉलेजेस में होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक तो टीम स्पिरिट बढ़ती है और इसके अलावा जब आप किसी को पुरस्कृत करते हैं तो उसके मन में और आगे जाकर अच्छा करने की प्रेरणा आती है, और जो हारते हैं उनके मन में ये प्रेरणा आती है कि भाई हम आगे चल के अच्छा करें। वो तो जब युवा साथियों के साथ आप होते हैं तो अनुभव अच्छा ही होता है और नई ऊर्जा मिलती है और कुछ नया करने की इच्छा शक्ति आती है। हर साल हमारे यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स हुआ करते हैं, उसका नाम है, प्रोग्राम का नाम क्रीड़ा खेल का, और उसमें बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं। कई तरह के स्पोर्ट्स हमारे बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, उनको जो प्राइज